मुख्यमंत्री नवीन पटनायक निर्देश अनुजाई 5T एवं नवीन ओडिशार चेयरमैन वीके पांड्या बुधवार दिन कटक स्थित बारवाटी स्टेडियम परिदर्शन करी ओडिशा क्रिकेट एसोसिएशन सभापति प्रणव प्रकाश दास एवं अन्य अधिकारी सह राज्य रे क्रिकेट रा विकास संपर्क रे आलोचना करिसेंती। पांड्यान 60,000 आसन क्षमता विशिष्ट बारवाटी क्रिकेट स्टेडियम रो रूपांतरीकरण पई योजनार समीक्षा करथिले। यह प्रकल्प राज्य सरकार 5T परिवर्तन पदक्षेप अधीन बारवाटी स्टेडियम क्षेत्र क्रिकेट तथा अन्यान्य क्रीडा विभाग सर्वोत्तम सुविधा सहित एक विश्वस्तरीय क्रीडा कैंपस विकसित हो रास्तारु पार्किंग पर्यंत स्टेडियम को प्रवेश मैच गुड़िकर आरामदायक दर्शन एवं फूड कोर्ट वॉशरूम इत्यादि परिप्रेक्षी दर्शक मैंने अंतर्जातीय स्तर सुविधा पाए। कैंपस रे अन्यान्य क्रीडा श्रृंखला पाई मध्य सुविधा रहिबो। बारवाटी स्टेडियम निकटरे थिबा क्षेत्र 5 तारका होटल एवं ऑफिस स्पेस सहित एक रिटेल मॉल मध्य विकसित करा जिवो। स्टेडियम सम्मुखरे थिबा सर्वसाधारण स्थान को एक सार्वजनीन प्लाजा भावरे विकसित करा जिवो एवं कटक सहरर नागरिक मानक पाई एक खोला स्थान रहिबो। परे पांडियन कोच एवं खेलाळींक सह कथाबार्ता होइथिले। 5T ट्रांसफॉर्मेशन अधीन क्रिकेट रो विकास को प्राथमिकता दिया जिवो एवं गुणात्मक कोचिंग सहित क्रिकेट तालीम केंद्र सारा राज्य रे विकास करा जिवो बोली से निश्चित करिछंती। लक्ष्य हेउछि ओडिसा को क्रिकेट क्षेत्र रे एक प्रमुख उद्यमान राज्य रे परिणत करबा। ओडिसा क्रिकेट खेलाळी को मध्य रे प्रतियोगिता मूलक मनोभाव रे विकास पई से एक उच्च मानर राज्य स्तरीय क्रिकेट लीग आरंभ करबा को परामर्श देइछंती। यह समस्त उद्यमान क्रिकेटर मानंकु सेमानंकर प्रतिभा प्रदर्शन करिवारे एवं सेमानंकर दक्षता वृद्धि रे सहायक हेबो। पांडियन कहिछंती जे महिला क्रिकेटर विकास दिगरे विशेष ध्यान दिया जिवो। ओडिसार अनेक महिला क्रिकेटर जातीय स्तर रे अतुलनीय प्रतिभा प्रदर्शन करिछंती। महिला क्रिकेटर विकास को अधिक उत्साहित एवं प्रोत्साहित करबा पई खूब शीघ्र पुरी रे एक ओडिसा महिला क्रिकेट एकेडमी आरंभ हेबाकु जाउछि। समस्त बयसर क्रिकेटरों पर सर्वोत्तम कोचिंग सुविधा जोगाइबापी कटक स्थित ओडिशा क्रिकेट एकेडमी को आहुरी उन्नत कर बारवाटी स्टेडियम रे आलोचना समय रे क्रीडा सचिव भिनिन कृष्णा ओसीए सचिव संजय बेहरा सीडीए चेयरमैन अनिल सामल कटक कलेक्टर विनीत भरद्वाज एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थिले। ब्यूरो रिपोर्ट सूचना टीवी।